हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ के लिए है। अक्टूबर मंथ के लिए पहले भी मैंने दो वीडियोस दी हैं, आप उसको भी देख सकते हो। अगर लगता है कि ये रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। इस वीडियो में आपको मैं सब बताने वाली हूं, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में और भी बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हूँ। तो आज की रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए है। आप देख सकते हो जो भी मैसेज आप लेना चाहो, इसमें गॉड गाइडेंस भी है, इसमें यूनिवर्सल मैसेज भी है, ताकि आप अपनी पहले से तैयारी कर लें कि आपको क्या करना है अक्टूबर में और आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं हमेशा ऐसी ही रीडिंग्स लेकर आती हूँ। बहुत ज्यादा मैं लव रीडिंग्स नहीं करती, बिकॉज सारे ही पहलू जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। हम किसी एक पहलू पर काम करें ऐसा जरूरी नहीं है, हमें हर पहलू पर काम करना चाहिए। तो मैं हमेशा इस तरह की ही वीडियोज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक अक्टूबर मंथ को लेकर है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक डिटेल शेयर कर लेती हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, मैसेजेस देखना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, रील्स देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, बहुत अच्छे क्रिस्टल्स आपको वहां पर मिल जाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में बहुत पावर होती है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, इसलिए वहां पर मैंने बहुत से क्रिस्टल्स डाले हुए हैं। आप उनको देख सकते हो और वहां से परचेज भी कर सकते हो। वहां पर आपको नंबर मिल जाएगा जहां जाकर आपने उसको परचेज करना है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर मंथ की। अक्टूबर मंथ में क्या कुछ हो सकता है? यहां पर है टाइगर आई। अगर आपने इस टाइगर आई को सिलेक्ट किया है तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कह रही हैं एनर्जीज। अक्टूबर मंथ में क्या हो सकता है? चलिए, यहां पर है फाइव ऑफ वॉन्स, चैरियट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, इसके साथ है क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारी क्वीन्स आ रही हैं, क्या बात है भाई, बहुत सारी क्वीन्स हैं यहाँ पर। आप क्वीन की एनर्जी में रहने वाले हो। किंग ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी में रहने वाले हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है आपकी एनर्जीज। अब मैं कुछ और कार्ड्स भी लेती हूँ ताकि देखा जा सके कि अक्टूबर में आपके लिए और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर है सिक्स ऑफ थॉट, इसके साथ है यहाँ पर एट ऑफ अबंडेंस। कुछ और कार्ड्स के साथ भी लें एनर्जीज को। तो चलिए जानते हैं मेजर के साथ के क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पर है हैंग्ड मैन, एम्परर, कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। चलिए उसके बाद मैं इस स्प्रेड को आप क्लिक कर लीजिए, इसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रीड करती हूँ। ओके, ये है आपका पूरा स्प्रेड जो आपको अक्टूबर मंथ में बताएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपको शायद क्लियर है इसकी पिक्चर, आप इसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पाइल नंबर वन, ये है आपके कार्ड्स, ये क्या कहते हैं चलिए जानते हैं। आपके लिए अक्टूबर मंथ में कुछ जो स्ट्रगल्स हैं वो रह सकती हैं। अगर आपने किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद की है तो वो जद्दोजहद जो है वो अक्टूबर मंथ में भी चलेगी, पर इसका जो आउटपुट है वो आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर लगता है मुझे कि फाइव ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपकी जद्दोजहद काफी ज्यादा चलने वाली है, स्ट्रगल चलने वाली है। पर आपके लिए एनर्जीज जो हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने शायद सोचा नहीं था, क्योंकि आप चैरियट की एनर्जी में हैं। यहाँ पर है आपके लिए क्वींस के बहुत सारे कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो क्वीन की एनर्जी में बहुत रहने वाले हो, क्योंकि आप एक फेमिनिन एनर्जी में नजर आओगे अक्टूबर मंथ में। परिवार का ध्यान रखोगे आप, अपने फैमिली के साथ रहना पसंद करोगे और उनको खूब अच्छे से आप डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चे कहना नहीं मानते तो मदर डांटती है, कहती है कि पढ़ाई करो, एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ये एनर्जी आपकी रह सकती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपका बिहेव ऐसा होगा जैसे आप एक मदर हैं, तो मदर की एनर्जी में रहोगे आप। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई देती हैं। बहुत सारे आपके ऐसे काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे अक्टूबर मंथ में वो स्टार्ट हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। एम्परर,
और इसके साथ है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर दो किंग भी नजर आ रहे हैं। बहुत डिसिप्लिन रहने वाले हो, बहुत सारा काम करने वाले हो, बहुत सारी आपकी एफर्ट जो लगेंगी वो आपको बहुत कुछ देने वाली है। हार्ड वर्किंग रहोगे और बहुत डिसिप्लिन से काम करोगे। ये टाइम जो है वो लर्निंग का टाइम है, ये टाइम आपके स्किल्स को डेवलप करने का टाइम है, ये टाइम जो है वो अक्टूबर मंथ का न्यू जॉब्स का, न्यू चेंजेस का, आपके जीवन में कुछ नई चेंजेस आएंगी ये मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर देखकर सभी एनर्जीज ही ऐसी हैं कि कुछ नया आपको मिलेगा। अगर लव रीडिंग की बात की जाए तो लव रीडिंग में यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं। किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर कोई प्यारा इंसान आपकी जिंदगी में है जो आपके साथ और भी प्यार का एहसास कर सकता है, आपसे शेयर कर सकता है अपनी फीलिंग्स को, आपको ये कहने के लिए वो आ सकता है कि वो अब आपसे दूर नहीं रह सकते। यहाँ पर है चैरियट की एनर्जी, तो वो आपके पास जरूर आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो है वो आगे बढ़ेंगे, वो क्लोज आ सकते हैं अक्टूबर मंथ में। तो लव रीडिंग के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। पर बहुत सारे लोगों के लिए एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, हैंगमैन कह रहा है कि सेक्रीफाइस भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप के सेक्रीफाइस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिकॉज जब हम कभी ऐसी एनर्जी में होते हैं जहाँ पर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो कभी कभी सामने से हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमारी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। वहाँ पर हमें लगता है कि सामने वाले ने तो हमसे वो नहीं कहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो थोड़ा सा एफर्ट बढ़ जाता है, स्ट्रगल्स बढ़ जाती हैं, सेक्रीफाइस बढ़ जाते हैं। तो कुछ रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस भी होंगे, छोटी छोटी नोकझोंक भी हो सकती है। वो नोकझोंक बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी होगी, पर नोकझोंक जो है वो चलती रहेगी। देखिए, जहाँ प्यार होता है वही नोकझोंक होती है, तो इसलिए इसको ऐसा मत समझें कि ये नोकझोंक जो है ये नहीं होनी चाहिए थी, तो ये लाइफ का पार्ट है, इसको ऐसा लेकर चलें। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं, करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर करियर के लिए बहुत कुछ है, करियर के लिए यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और इसके साथ है सिक्स ऑफ थॉट, तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप अपने काम के लिए, आप अपने काम के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं कहीं। अक्टूबर मंथ में जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आप करोगे, और बहुत सारे लोग कभी ट्रैवलिंग नहीं करते पर फिर भी वो ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है द चैरियट, सिक्स ऑफ थॉट, तो ये ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से ट्रैवलिंग कर सकते हो, पर मैं एक बात कहूंगी कि सेफ ट्रैवलिंग करें, थोड़ा गाड़ी को धीरे चलाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो और आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, फिर भी आपको थोड़ा सा धीरे चलाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सब लोगों के लिए ज़रूरी है, पर यहाँ पर पाल नंबर वन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए जो आए हैं उनको भी पढ़ते हैं। यू आर हेयर फॉर अ रीजन, यू आर नेवर अलोन। आप कभी भी अकेले ना समझे खुद को, आपके साथ यूनिवर्स हमेशा साथ देता है। आपके काम जब रुके हुए हो तो अपने आप बनने लगते हैं, और आपको यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो किसी रीजन से आए हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपको लगता होगा कभी कि मैं कोई भी बड़ा काम करने के लिए जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरा काम बनता नहीं है, शायद आप किसी और रीजन के लिए आए हैं, शायद आप कहीं और भाग रहे हैं और किसी और रीजन के लिए आए हैं, पर आपको वो समझ में नहीं आ रहा जो यूनिवर्स आपको समझाना चाहता है। तो थोड़ा सा बैठिए, मनन कीजिए, सोचिए कि आप किस काम के लिए आए हैं। यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल, जो ये कहता है कि जो भी आप करोगे, जो भी आप बीज बोओगे, उसका रिजल्ट आपको जरूर अक्टूबर मंथ में मिलेगा, पर फिर भी थोड़ा सा आपको मनन करना चाहिए कि आप किस रीजन से इस दुनिया में आए हैं और वो रीजन आपको कैसे मिल सकता है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो ये चीजें जो हैं, अगर आप सोचेंगे, अगर आप बैठकर मनन करेंगे, तो आपको वो जरूर मिल जाएगा जो आप चाहते हो। हार्ड वर्किंग तो इतने हो ना आप कि जी नहीं चुराते हो किसी भी काम से,
और हार्डवर्किंग जो भी होंगे उनको जरूर रिजल्ट मिलेगा जो भी हार्डवर्क करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पायल नंबर वन सब लोग ही बहुत हार्डवर्किंग हो, बहुत सारा काम करना चाहते हो जिंदगी में, बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी दे, जो आपकी लाइफ को एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि अबंडेंस दे, प्रॉस्पेरिटी दे, तो काफ़ी मेहनती इंसान हो आप। अब मैं बात करूंगी उन पेरेंट्स की जो चाहते हैं कि उनके घर में छोटा सा कोई मेहमान आए, तो यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जीज हैं आपके लिए, आपको जरूर ये खुशखबरी मिल सकती है। बहुत देर से आप वेट कर रहे थे, तो आपके घर में अक्टूबर मंथ में ये खुशखबरी आ सकती है। जिनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी उनको कंसीविंग हो सकती है, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही थी तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है यहाँ पर जो ये बता रही है कि आपकी लाइफ में अब वो चीज आएगी जिसकी वेट आप बहुत देर से कर रहे थे। क्रिएटिव लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये टाइम जो है जॉब में क्रिएटिव करने का टाइम है। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आपको क्रिएटिव बनाती हैं। इस टाइम पर आप बहुत क्रिएटिव नजर आओगे और उन क्रिएशंस का जो आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, जो आपके दिमाग में आपके स्किल्स हैं, उनको आप बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे। ये टाइम इस तरह का टाइम है जब आप अपने जो भी आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाओगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। आप जितना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे ना उतना ही रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो अक्टूबर मंथ कहता है कि क्रिएटिव जितना हो गया, आप किसी आप जैसे मान लीजिए कोई आर्ट वर्क करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो बहुत क्रिएटिव हो, आपके दिमाग से निकले हुए नए नए आइडियाज हो, तो उनको आप जरूर इम्प्लीमेंट करें। अक्टूबर मंथ में आपको बहुत राइज मिलेगा। आप जितना पंचुअलिटी के साथ, जितना आप डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ अपनी क्रिएशन को इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब आप किसी क्रिएटिव काम को करते हो तो टाइम लगता है। आपको घबराना नहीं कि टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, कैसे काम पूरा होगा, पर आप उसे बहुत अच्छे से करेंगे। और यही आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज भी है कि आपको क्रिएटिव लाइन में ही आगे बढ़ना है, कुछ इसी लाइन में आगे करना है। हो सकता है आपको बहुत बड़े कोई प्रोजेक्ट्स मिल जाए, हो सकता है आप जिस काम से डील कर रहे हो अभी तक तो वो नहीं हो पाया था, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा था, पर जितना सेक्रीफाइस आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैंडमैन की एनर्जी भी है, तो वो बता रही है कि जितना सेक्रीफाइस काम के लिए कर लेंगे उतने ही आउटपुट आपको मिलेंगे, उतने ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। बिजनेस में भी मैं यही कहना चाहूंगी, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं आपके लिए भी यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल। तो सेवन ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा जो भी आपने किया है, जो भी आपने एफर्ट लगाई है, आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। पर एक बात और कहना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके हार्डवर्क की भी होती है। तो जिन लोगों ने हार्डवर्क किया है उनको भी अक्टूबर मंथ में रिजल्ट मिलेगा। फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। किंग और क्वीन की एनर्जी में बहुत ज्यादा आप नजर आ रहे हो मुझे, तो आपके लिए यहाँ पर सब अच्छा है। कॉम्पिटिशन थोड़े से रह सकते हैं, मन में थोड़े से विचार रह सकते हैं, तो ये सब चीजें जो है वो चलती रहेंगी, पर फिर भी आपके लिए टाइम अच्छा आएगा। अब बात कर रही हूँ हमारे लास्ट टॉपिक की, जो है हेल्थ का टॉपिक। हेल्थ को लेकर काफी लोग परेशान रहते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी। अक्टूबर मंथ जो है वो हेल्थ को लेकर भी अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पर काफी सारी एनर्जीज जो है वो अच्छी ही नजर आ रही है मुझे। तो बस थोड़ा सा अपने खाने पीने का आप ध्यान रखें, मिठाइयाँ ज्यादा ना खाएं और थोड़ा सा मीठा कम खाएं, बाकी सब आपके लिए अच्छा है। आपको अपने थॉट प्रोसेस पर थोड़ा सा काम करना है। जब थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो अफर्मेशंस अपने जीवन में उतारें, मैनिफेस्टेशन को आप अपने जीवन में उतारें। ये दो चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को बहुत स्मूथ कर देती हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको रेमेडीज के तौर पर देने की कोशिश की है, आगे भी देती रहूंगी, ताकि आपकी लाइफ में जो इश्यूज हैं वो खत्म कर सकूं। ये एक पूरा सीरीज में बना रही हूं जिसमें मैनिफेस्टेशन है, विश फुलफिलमेंट है और बहुत सारे स्विच कोड्स हैं, स्विच वर्ड्स हैं, स्विच फ्रेजेस हैं, हीलिंग कोड्स हैं, ताकि मैं आपकी लाइफ को चेंज कर पाऊं। यही मेरा मिशन है कि आप लोगों की लाइफ जो है वो आसानी से बीते और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे आप दूर चले जाएं जल्दी से,
तो ये सारी चीजें मैं बहुत आपके लिए करने की कोशिश कर रही हूं। आप भी इनको अपनी लाइफ में लेकर आएं और पॉजिटिव सोचें, हेल्थ इश्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप डेली ये अफर्मेशन दें कि आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके चक्रास बैलेंस्ड हैं। तो ये चीजें अगर आप छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में लेकर आते हो तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अक्टूबर मंथ आपके लिए काफी अच्छा है, आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी एनर्जी के साथ रहिए। आगे बात करूंगी अब मैं सेकेंड पायल की। फर्स्ट पायल के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन को चूज किया है, आपके लिए क्या आती है आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग पायल नंबर 2। तो चलिए बात करते हैं आपके लिए। यहां पर मैं इसको रखती हूँ और आपके लिए शफलिंग करती हूँ। अब कार्ड्स में कौन सी एनर्जीज निकल कर आएंगी, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, अबंडेंस को लेकर। बहुत सारी परेशानियां जीवन में चलती रहती हैं, पर हम उन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं, गाइडेंस लेते हैं। तो चलिए आपके लिए क्या है एनर्जीज। यहां पर है 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप्स, द हैरमिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर। वेरी गुड। तो चलिए कुछ और कार्ड्स भी लेती हूं, देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहां पर है हैंग्ड मैन, इसके साथ है द फूल की एनर्जी। चलिए कुछ मैसेज कार्ड लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू, ओके। अबंडेंस इज योर राइट, ओके। एंजल मैसेजेस की तरफ से भी कुछ एनर्जीज मैं निकालने वाली हूं। एंजल मैसेज आपके लिए क्या है, 6 ऑफ इमोशन और इसके साथ है 6 ऑफ अबंडेंस। ये है 6 ऑफ अबंडेंस आपके लिए क्या है एनर्जीज। चलिए देखते हैं यहां पर। यहां पर जो कार्ड्स आए हैं उसमें है हैरमिट, 3 ऑफ कप्स, यहां पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी है और 10 ऑफ कप्स भी है। तो कप्स की एनर्जीज और लवर की एनर्जीज साफ साफ बता रही हैं कि रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर मंथ जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। हो सकता है जो लोग किसी सिंगल हैं और रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई मैसेज आपको मिलेगा, कोई आप किसी के साथ शेयर करेंगे अपनी चीजों को, कोई गिफ्ट शेयर कर सकते हैं आप अपने लव्ड वंस के साथ। और जो लोग चाहते हैं कि कोई उनको आके प्रपोज करे तो उनकी ये विश भी पूरी हो सकती है। अक्टूबर मंथ में आपको कोई ना कोई आकर जो भी जिसको भी आप चाहते हो सकता है आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये मैनिफेस्टेशन जो है अक्टूबर मंथ में जरूर पूरी हो जाएगी। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है वो अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताने वाले हैं ये अक्टूबर मंथ बता रहा है। तो एक ऐसी एनर्जी में आप रहोगे जो बहुत भोली भाली होगी, प्यारी होगी। आप काफी चीजों को मैनिफेस्ट यहां पर कर पाएंगे, खासतौर पर रिलेशनशिप के लिए। तो जिन लोगों को चिंता रहती है कि रिलेशन कैसा जाएगा, जो यंग पीपल हैं, जो यंग लोग हैं, बच्चे हैं आजकल, तो उनको रिलेशनशिप की बहुत सारी वरीज रहती है। तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी जाएगी, कोई इशू नहीं आने वाला है रिलेशनशिप को लेकर। खासतौर पर पायल नंबर 2 आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड यहां पर आए हैं निकलकर। अगर मैं बात करूं करियर की तो करियर में है 6 ऑफ अबंडेंस। आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो। ये टाइम ऐसा टाइम है जब आपको थोड़ा सा डोनेशन की तरफ जाना चाहिए, आपको शेयरिंग की तरफ जाना चाहिए। लवर्स भी 6 ऑफ अबंडेंस भी यही कहता है कि जितना आप शेयरिंग की तरफ जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आप और भी ज्यादा अबंडेंस आपको मिलेगी क्योंकि यूनिवर्सल मैसेज है आपके लिए। आपके लिए भगवान की, आपके लिए यूनिवर्स की, आपके लिए एंजल्स की बाहें जो है वो खुली हुई हैं। अबंडेंस आपको मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो ग्रेटिट्यूड की भावना जरूर रखें। ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है और बांटना बहुत जरूरी है। समटाइम्स पर हम कहते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयरिंग कई बार केयर करने की जितनी काम आती है। तो लोगों से, अपने लव्ड वन से, अपने प्यारे लोगों से, अपने नीडी लोगों को, जो भी नीडी है, जो भी जरूरतमंद है, उनको कुछ ना कुछ बांटते रहना चाहिए।
करियर में आपके लिए काफी अच्छा टाइम जो है वो आएगा अक्टूबर मंथ को लेकर, पर मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि हैंडमैन और इसके साथ साथ हेरमिट ये आपको बता रहे हैं कि कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ सकते हैं। तो घबराए नहीं, सेक्रीफाइस जो है वो ऐसे नहीं है कि सब आपका जो है खत्म हो जाएगा, आपको सिर्फ सेक्रीफाइस ही करने पड़ेंगे। जितना आप ध्यान से चलेंगे, जितना आप बहुत अच्छे से कदम ले लेकर चलेंगे, फूंक फूंक कर चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप एक फूल की एनर्जी में हो। फूल यहाँ पर ये कह रहा है कि आप इमेच्योर हो थोड़े से, कुछ स्टेप्स आप ऐसे ले सकते हो जो शायद आपने बिना सोच विचार के लेने होंगे, तो इसको आपने ध्यान रखना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है थोड़ा सा, और केयरफुल होकर चलना है। मैं ये आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं करियर में, जॉब में, बिजनेस में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से बस कदम रखने हैं और इन्वेस्टमेंट अपनी बहुत ध्यान से करनी है। यहाँ पर आप कॉपरेशन से कर सकते हो, हालांकि बहुत सारी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल है, आप ध्यान से यहाँ पर काफी पोजेसिव नजर आ रहे हो पैसों को लेकर, पर फिर भी आपको कॉपरेशन के साथ चलना चाहिए। दूसरों की कॉपरेशन ले लें, जो भी आपके स्किल्स हैं आप उसी पर काम करें। आप ऐसे मत करें कि जो चीज आप जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, वहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी के कहने पर, लोगों के कहने पर कि उसने कह दिया यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, यहाँ तो बहुत पैसा है, तो आपने वहां इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना अक्टूबर मंथ में स्पेशली। तो जहां आपको पता है कि आपको क्या मिल सकता है, अच्छा क्या मिल सकता है, आप राइट इन्वेस्ट कर रहे हो, वही इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये जरूरी है आपके लिए अक्टूबर मंथ में समझना। और इसके साथ साथ जो लोग जॉब में हैं, आपको भी अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके बॉस हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है। मिलकर चलें, यहाँ पर है आपके लिए थ्री ऑफ कप्स, जित थ्री ऑफ पेंटिकल, तो ये आपको दोनों ही एनर्जीज ये बता रही हैं कि जितना आप कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, जॉब में भी है, बिजनेस में है, कहीं भी है, आप कॉपरेशन के साथ दूसरों को साथ लेकर चलना, दूसरों के साथ शेयरिंग करना और दूसरों के साथ बैठकर काम करना, ये आपके लिए अक्टूबर मंथ कह रहा है। स्पेशल मैसेज है, इसको जरूर समझें। और इसके साथ दो मैसेजेस जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए हैं, योर बिलीफ आर राइट फॉर यू, अबंडेंस इज योर राइट। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपकी बिलीफ, जो आप सोच रहे हो, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आप उसी पर चलें, अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल करें, अपने दिल की बात सुने, दिमाग से ज्यादा अपने बिलीव्स पर जो आपके दिल से निकले हुए हों उन पर विश्वास करें। और अबंडेंस इज योर राइट, तो अबंडेंस आपके लिए है, आप इस बात पर विश्वास करना सीखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें खुद को कि अबंडेंस आपके लिए है। इसको आप ये मत सोचें कि अबंडेंस जो है वो अब नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, मेरे लिए नहीं है, मुझको नहीं मिलता, तो ये थॉट, नेगेटिव थॉट अपने मन से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि मैसेज आपके लिए ऐसा है कि यूनिवर्स खुद कह रहा है अबंडेंस आपके लिए है, तो इस अबंडेंस को एक्सेप्ट करें। सिक्स ऑफ इमोशन, यहाँ पर बहुत सारे इमोशन कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स, यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स और थ्री ऑफ पेंटिकल और लवर, तो सिक्स ऑफ इमोशन भी इनमें से एक है जो ये बता रहा है कि आपके लिए कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसको आप बहुत ज्यादा याद कर रहे थे, जिसको आप दिल से याद कर रहे थे। आपको पुरानी यादें बहुत सताएंगी अक्टूबर मंथ में। आप अपने फ्रेंड्स को याद कर सकते हो, अपने बचपन को याद कर सकते हो। आपके लिए कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने बचपन में बहुत ज्यादा डीप तक चले जाएंगे और उनको याद करेंगे, तो ये अक्टूबर मंथ कह रहा है, ऐसी एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है, सिक्स की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, सिक्स ऑफ अबंडेंस है, सिक्स ऑफ इमोशन है, तो आप सिक्स की एनर्जी में रहोगे, यानी खुद पर टाइम बिताना, खुद के लिए समय निकालना, खुद इंट्रोस्पेक्ट करना और सजना संवरना, ये अक्टूबर मंथ में आप करते रहोगे, ऐसी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आप अपने अंदर के बच्चे से जुड़े रहोगे इस टाइम पर। अंदर एक हमारे बच्चा होता है जिसको हम कभी कभी छुपा लेते हैं, पर अक्टूबर मंथ में आप उससे बहुत अच्छे से जुड़े रहोगे। अगर मैं यहाँ पर हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखिएगा, फूल की एनर्जी में है तो केयरलेस होने की जरूरत नहीं है हेल्थ को लेकर। आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, पर छोटी छोटी बातें जो है वो चलती रहेंगी हेल्थ को लेकर, तो इसलिए इग्नोरेंस नहीं दिखाना किसी भी काम में। एनर्जी बहुत है, आप काफी भागदौड़ में भी लगे रह सकते हैं,
आपको काम ज्यादा करना पड़ सकता है जिसके कारण हेल्थ पर थोड़ा इफेक्ट आएगा, पर इतना भी कुछ नहीं है कि आप कहें कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसा नहीं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपने, एक्सरसाइज करें और इंट्रोस्पेक्शन करें और मेडिटेशन करें। ये मैं हमेशा कहती हूँ पर ये कभी कभी मैसेज होता है जब आप एक फूल की एनर्जी में हैं, जब आपके पास हैंडमैन है तो कुछ अपने लिए भी कर लेना चाहिए, कुछ सेक्रीफाइस खुद के लिए भी कर लेने चाहिए। कभी कभी हम दूसरों के लिए ही सेक्रीफाइस करते रहते हैं, खुद को तो समय ही नहीं देते। तो अक्टूबर मंथ में खुद के लिए समय आप निकालेंगे तो अपनी हेल्थ के लिए भी समय निकालें, एक्सरसाइज करें, खुद को टाइम दें, सजें संवरें। देखिए हम कहते हैं कि सजना संवरना क्यों चाहिए, सजना संवरना सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि हम खुद को दूसरों को दिखा पाएं, हमें खुद के लिए भी करना चाहिए, हमें खुद के लिए भी संवरना चाहिए। जब आप अपने आप को शीशे में देखें तब आपको अच्छा महसूस हो कि आप इतने प्यारे लग रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हो। खुद को पॉजिटिव करें, आपको हमेशा दूसरों के लिए सजने की जरूरत नहीं है, खुद के लिए सजना असली सजना होता है, असली संवरना होता है। आप जितना अंदर से खुद को संवारेंगे उतना बाहर से भी खुद को संवारना जरूरी होता है। तो अपने लिए समय निकालना इसलिए जरूरी है कि आपको और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप सेल्फ लव, सेल्फ लव जीवन में जरूरी हो गया है आजकल, तो बहुत जरूरी हो गया है। हम सारा दिन सोशल मीडिया पर रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को अपनी बात सुनाते हैं, कहते हैं, तो हम दूसरों के प्रति इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा उनके प्रति हमें किसने लाइक किया, हमें किसने डिसलाइक किया, हमें किसी ने क्या कह दिया, हमें किसी ने अनब्लॉक कर दिया, किसी ने ब्लॉक कर दिया, तो ये थॉट्स जो है मन में चलते रहते हैं। इसके कारण सेल्फ लव जरूरी है। आपको नहीं सोचना कि आपको किसी ने क्या कर दिया, इन थॉट से बाहर आ जाइए, खुद को प्यार करना सीखिए, आपकी जिंदगी अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी। यही आपके लिए मैसेज है पायल नंबर 2 सेल्फ लव का। द लवर्स 6 ऑफ इमोशन, 6 ऑफ अबंडेंस, ये सभी एनर्जीज, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये सभी एनर्जीज कहती हैं कि दूसरों से प्यार कीजिए पर खुद से प्यार करना मत भूलिए। आपको खुद से भी प्यार करना चाहिए और खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो ये है आपकी एनर्जीज, आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज, आपके लिए भगवान क्या कहना चाहते हैं, अक्टूबर मंथ में आपको कैसे स्टेप लेने हैं। जॉब और बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ें, थोड़ा सा मेडिटेट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। बाकी सब एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो, इसलिए पॉजिटिव रहें। खुद को जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ही रीडिंग भी आपको रेजोनेट होगी। आपके लिए बहुत सी हीलिंग की वीडियोस मैं दे रही हूँ, स्विच वर्ड्स की वीडियोस दे रही हूँ, मैनिफेस्टेशन की वीडियोस दे रही हूँ, उनकी सीरीज को भी जाकर देखें। प्लेलिस्ट में मैं सभी वीडियोस को धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, तो चैनल के प्लेलिस्ट में देखें। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है वो आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, हीलिंग कोड यूज कर सकते हो, रेमेडीज यूज कर सकते हो, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।